Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. PSL 3 की तैयारियां जो हैं वो उन्होंने जोर पकड़ लिया है एंड जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स लेफ्ट नाउ जनाब बिल्कुल और जब ये बुखार जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि सर चढ़कर बोल रहा है लाहौर में मौजूद है हमारी साथी एंकर फातिमा सलीम और इस मरतबा अच्छी बात और यूनिक बात ये हो रही है कि आजाद कश्मीर की नुमाइंदगी हो रही है लाहौर कलंदर की टीम में सलमान इरशाद के साथ मौजूद हैं और आकिब जावेद भी हैं उनके हमरा फातिमा सलीम ओवर टू यू फातिमा Thank you so much, Abdullah and Huma. First of all, good morning to everyone who's watching. Morning. क्या खूबसूरत सुबह है आज लाहौर की. I'm enjoying myself. अब कभी चाय भी पीऊंगी by the way. By the way, it's a beautiful architecture जो मेरे पीछे देख रहे हैं. मैं बागे जना में मौजूद हूँ. Quickly मैं आपको बोलूंगी कि 360 degree view फौरन दिखा दे सबको कि हाँ beautiful place भी है. Cameraman थोड़ा सा भी view दिखा दे of how everyone's walking, jogging and everything. बट चले ये तो हम आपको दिखाते रहेंगे व्यू पीछे बट लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट पाकिस्तान सुपर लीग 22 फरवरी से शुरू हो रही है हाउ एक्साइटिंग इज दैट टॉप ऑफ माय हेड अगर मैं सोचती हूं थ्री रीजंस व्हाई आई लव पीएसएल नंबर वन एंटरटेनमेंट नंबर टू कि हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो उनको हीरो बनने का मौका मिलता है जस्ट प्ले विद इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड नंबर थ्री इज फाइंडिंग रॉ टैलेंट अगर बात करें तो रुमान रईस शादाब खान फखर जमान दीज ऑल प्लेयर्स जो मर्ज करके हीरोज बन गए एंड अगर आप हैशटैग कश्मीर बना कलंदर फॉलो नहीं करें सो व्हाट डू यू इवन नो सलमान इरशाद मेरे साथ मौजूद है जो कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगा अपनी स्टार्ट ऑफ लाहौर कलंदर्स एंड ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स के नाउ हेड कोच एंड डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस आकिब जावेद मेरे साथ मौजूद है गाइस एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो कि अभी आप थोड़ी देर में एक मैच करने वाले हैं काउंटडाउन हैज स्टार्टेड बट आकिब ना मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि आपने इनको ढूंढा कैसे लाइक व्हाट वर यू गाइस डूइंग एंड आई नो कि लाहौर कलंदर्स प्ले सच अ बिग पार्ट लुकिंग फॉर स्टार्स आप लोग कहाँ कहाँ नहीं गए कहाँ कहाँ आपने यू नो इमर्जिंग प्लेयर्स नहीं देखे बट ये स्टोरी क्या है आपने इनको कहाँ ढूंढा देखिए ये कोर्ट में दो साल पहले जब मैं आया था लाहौर कलंदर के साथ एसोसिएट हुआ तो हमने मिलकर एक प्लान बनाया क्योंकि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं आम बच्चा जो है वो ट्रायल्स भी नहीं दे सकता तो हमने पिछले साल पंजाब के जो 8 डिवीजन्स हैं राइट फ्रॉम हम मुजफ्फराबाद इस दफ़ा गए लेकिन लास्ट ईयर हमने पूरे पंजाब को लिया भी गए उसके बाद बहावलपुर पिंडी अटक से लेके यू नो बहावलपुर तक हमने पूरे जो 8 डिवीजन्स वहाँ गए ट्रायल्स किए और हमने आम आदमी आम बच्चे को इनवाइट किया आप आओ और अपना टैलेंट दिखाओ 1,13,000 बच्चे उसमें ट्रायल देने आए और इस साल हमने दूसरे साल सोचा कि उस कामयाब एक ट्रायल जो हमने लिए उसके बाद हमें कश्मीर से रिक्वेस्ट आई प्राइम मिनिस्टर कश्मीर ने हमें इनवाइट किया कि प्लीज़ जो जितना ज़बरदस्त आपने टैलेंट हंट प्रोग्राम किया है इसको आप कश्मीर तक लेके आए डेफिनेटली बिकॉज जब हम कश्मीर पे रजिस्ट्रेशन हो रही थी तो 88,000 किड्स ने अपने आप को रजिस्टर किया और फिजिकली अबव 34,000 दो लोकेशन मीरपुर और मुजफ्फराबाद में लोग आए बच्चे आए उन्होंने ट्रायल्स दिए और जब हम मीरपुर से दो दिन के ट्रायल्स के बाद मुजफ्फराबाद पहुँचे तो वहाँ पे हमने सलमान इरशाद को देखा यू नो व्हाट अ जर्नी सलमान आपके लिए हुई आप कश्मीर से यू आप ऑस्ट्रेलिया गए और जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आए जो आपको वेलकम मिला आई मीन मैं एक्चुअली इमोशनल हो गई थी देख के सलमान ये तो मुझे पता है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एक तो एक कश्मीरी 70 साल के बाद मेन स्ट्रीम क्रिकेट में हो गए आपकी जर्नी कैसी थी ऑस्ट्रेलिया में क्या सीखने को मिला देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन आपको पता है पूरी दुनिया में क्रिकेट वहाँ की वहाँ पे जो सहूलियात हैं हर जगह पे नेट्स लगे होते हैं ग्राउंड अच्छे हैं तो वहाँ पे जो 3 महीने का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा वहाँ पे जो मुझे सीखने हाँ तो आकिब भाई जो मुझे बता के आए थे मैंने उस पर 3 महीने काम किया तो वहाँ पर क्योंकि हर सहूलियात थी जिम थी ट्रेनिंग थी अच्छे कोचेज़ थे फील्डिंग कोचेज़ थे ग्राउंड अच्छे थे आपको सब कुछ वहाँ पर करने का पूरा मतलब मौका था कि आप सीख सकते हो तो वहाँ पर मैंने किया अच्छा परफॉर्म किया जब मैं कश्मीर गया लाहौर के अंदर की पूरी मैनेजमेंट के साथ आकिब भाई लोग सब मेरे साथ थे तो वहाँ पे जो मंजर था वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था और मैं उसको कभी नहीं भूल सकता क्या वेलकम मिला आपको सबसे बट सलमान एंड आकिब आई थिंक इट्स अ साइन इट्स अ सिग्नल इट्स अ फर्स्ट स्टेप अब जितने भी बच्चे हैं जो इसके मोहल्ले में रहते हैं जो देखते हैं उनके लिए तो ऑफकोर्स ही इज बिकम अ हीरो सो फ्यूचर लुक्स वेरी ब्राइट नहीं तो किसी ने स्टार्ट करना है मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार मैं तो आज तक अभी कश्मीर ही नहीं एक ही दफा गया था फैमिली के साथ लेकिन अब जब गए हैं तो बहुत अफसोस होता है और अफसोस से ज़्यादा ये कुछ करने को दिल चाहता है अब ये है कि हमने इसको वहाँ से ढूंढा और इसको एक प्लेटफॉर्म दिया
अब ये डिटरमिन करेगा कि आने वाले कश्मीरी बच्चों का क्या फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि एक हीरो बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर कर सकता है। ओह एब्सोल्युटली यू आर एन इंस्पिरेशन। मगर सलमान कुछ पता है कि कुछ वहाँ के आपके जो कजन्स फ्रेंड्स ये वाला सब कह रहे हैं कि भाई तुमने इसको आउट करना है तो हम मानेंगे कि तुम सही बोलर। तो टारगेट कौन है पीएसएल में आपके लिए? टारगेट एक टारगेट नहीं है, मैंने हर मैच में कोशिश करूंगा 2 से 3 आउट करूँ और 4 ओवर करूँ और 20-25 से ज्यादा ऊपर ना जाऊँ, तो इंशाल्लाह मैं करूँगा। मुझे यकीन है, बंदा यकीन रखे कोई काम करता है तो 100% मेरे ख्याल से अगर मेहनत भी की होती है तो अल्लाह पाक उसको ग्राउंड में इज्जत देता है। पूरे आजाद कश्मीर की दुआएं मेरे साथ हैं, 50 लाख आबादी है और 50 लाख बंदे की दुआ साथ होते हैं। वाओ अमेजिंग समान, अब यू नो मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं वैसे देखा यंग प्लेयर्स में। आके दिन समान गुड लक, आई मीन अब मैं चाहती हूं कि लॉर्ड कलंदर से भागे जाए, इतनी एक्साइटिंग है आप लोगों की टीम है, सो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आई हैंग अराउंड विद अस एंड विद यू टू, हम और भी बातें करेंगे, लेकिन वापस अभी चलते हैं स्टूडियो हुमान अब्दुल्ला के पास। हुमान अब्दुल्ला, आई मीन पीएसएल इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है कि लॉर्ड कलंदर में कुछ मजे की बात है, वो जोश, वो जो अंदर ड्रेसिंग रूम में सबके छक्ले देखने को मिलती है, ब्रैंडन मैकलम, आई थिंक दिस पीएसएल इज गोइंग टू बी बेटर। और ये सलमान इरशाद तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, आई थिंक वेरी कॉन्फिडेंट और घंटा की रफ्तार से ये कराते हैं।